हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है 7 वीक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट आर द लीगल इंसिडेंट्स ऑफ वकफ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस के बारे में, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा व्हाट आर द लीगल इंसिडेंट्स ऑफ वकफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो व्हाट आर द लीगल इंसिडेंट्स ऑफ वकफ। द लीगल इंसिडेंट्स ऑफ वकफ आर एज फॉलोज। पहला आता है इरिवोकेबिलिटी, सेकेंड है परपेचुइटी, थर्ड है इन एलिनेबिलिटी। तो हम लोग ये तीनों जो लीगल इंसिडेंट्स है इंडिविजुअली पढ़े। तो सबसे पहला आता है इरिवोकेबिलिटी। तो इरिवोकेबिलिटी के अकॉर्ड में अबू हनाफी के अकॉर्डिंग कोई भी वाकफ जो है वो रिवोक किया जा सकता है बाय वाकिफ। वाकिफ कौन होता है? जो वाकफ में बनाता है, वाकफ प्रॉपर्टी कोई भी अपना वाकिफ कौन होता है? वाकिफ वो आदमी होता है जो भी जो कोई भी अपना प्रॉपर्टी हो, प्लॉट ऑफ लैंड हो, कोई भी गाछ हो, कोई एनीथिंग जो ऑलमाइटी गॉड के नाम पे करता है, उनके ओनरशिप में करता है ताकि पुअर पीपल को बेनिफिट मिले। ओके, तो वाकिफ उसको कहते हैं। तो द व्यू ऑफ अबू हनफी इज दैट अ वकफ कैन बी रिवोक्ड बाय वाकिफ अनलाइक द डिक्लेरेशन हैज बीन कंफर्म बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। ओके, बट अब अबू यूसुफ के अकॉर्डिंग ठीक अबू हनाफी का ऑपोजिट व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, और अबू यूसुफ होल्ड करते हैं कि दैट अ डिक्लेरेशन ऑफ वकफ इज इन इट्स नेचर इरेवोकेबल। जो वकफ का डिक्लेरेशन होता है वो उसके नेचर में ही है कि वो इरेवोकेबल होता है। ओके, सिंपल सा मतलब आ रहा है अबू हनाफी के अकॉर्डिंग कोई भी वकफ जो होता है वो रिवोक किया जा सकता है बाय वाकिफ, बट अबू यूसुफ के अकॉर्डिंग जो डिक्लेरेशन ऑफ वकफ है उसमें ही उसका नेचर में ही ऐसा है कि वो वकफ जो है इरिवोकेबल है। सो इंडिया में अबू यूसुफ का ओपिनियन फॉलो होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं परपेचुटी में। परपेचुटी या फिर कंटिन्यूटी इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ वकफ। वकफ जो है कंटिन्यूस होना चाहिए, एकदम परमानेंट होना चाहिए, ये नहीं कि ये टेम्पोररी नहीं होना चाहिए। ओके, अ वकफ फॉर अ लिमिटेड पीरियड इज Not valid, is it is void. ये हमेशा continuous होना चाहिए। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इन एलियनेबिलिटी एज द वकफ प्रॉपर्टी। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि वकफ प्रॉपर्टी जो है ये ऑलमाइटी गॉड को बिलोंग करता है, तो कोई भी ह्यूमन बींग कोई उसको एलियनेट नहीं कर सकता अपने बेनिफिट के लिए, अपने ओन पर्पज के लिए। देयर फोर वकफ का जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई मैंगो ट्री है, उसको कोई बेच नहीं सकता, उसको कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको कोई इनकम्बर्ड नहीं कर सकता। एन एलियनेशन ऑफ द वकफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर द नेसेसिटीज ऑफ द वकफ एंड विदाउट द कोर्ट्स परमिशन। अगर एलियनेट किया जा रहा है वकफ प्रॉपर्टी को विदाउट कोर्ट्स परमिशन, देन इट इज वॉइड। ओके, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वो वाला वीडियो देखिए। और अगर आप लोग इस साल क्लैट 2021 दे रहे हो तो आप ज़रूर दीजिए, मैं उसका क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, मैं उसका भी लिंक आई बटन में दे दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।